पूर्व मंत्री और आदिवासी नेता अरविंद नेताम ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली हार के लिए भूपेश बघेल को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा भूपेश बघेल भ्रष्टाचार की नींव पर सरकार बनाना चाहते थे। वो नक्सली घटना को लेकर अरविंद नेताम ने कहा कि नक्सलवाद एक गंभीर मुद्दा है जिस पर केंद्र सरकार को कठोरता से कार्य करना चाहिए, साथ ही राज्य सरकार को भी समस्या से निपटने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए। आदिवासी मुख्यमंत्री को लेकर भी कहा कि प्रदेश में पहला आदिवासी मुख्यमंत्री भाजपा सरकार में देखने के लिए मिला है, जो कहीं ना कहीं भाजपा की एकता को दर्शाता है। रोल अभी जो विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ है और जो भी रिजल्ट आया है, और खासकर इसमें कांग्रेस पार्टी की जो पराजय हुई है, उसका विशुद्ध रूप से मैं जिम्मेदारी भूपेश बघेल को मानता हूँ। भूपेश जी भ्रष्टाचार के आधार से राजनीति के जो महल खड़ा करना चाहते थे वो धराशायी हो गया, और छत्तीसगढ़ के मतदाताओं को भावनाओं को समझने में विफल हो गया। कांग्रेस हाईकमांड को गुमराह किया, और या कहिए कि उनकी कमजोरी का बहुत नाजायज फायदा उठाया।